दुनिया का एक ऐसा मनहूस गाना जिसे सुनने के बाद लोग आत्महत्या करने लगे थे। ग्लूमी संडे यानी उदास रविवार, ये ऐसा गाना है जिसे दुनिया का सबसे श्रापित गाना कहा जाता है। चलिए जानते हैं ग्लूमी संडे से जुड़ी वो बातें जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 5, वक्त था साल 1933 जब हंगरी देश में एक राइटर रेजसो सेरेस ने एक गाना लिखा जिसका नाम था ग्लूमी संडे। इस गाने में इतना दर्द था कि इसको 63 सालों तक बैन कर दिया गया क्योंकि इसे सुनकर लोग आत्महत्या कर रहे थे। नंबर 4, इस गाने में अपनी प्रेमिका की मौत पर विलाप किया गया था और अपनी प्रेमिका से दोबारा मिलने की ख्वाहिश की गई थी। इस गाने की बदकिस्मती ये थी, जिस प्रेमिका के गम में रोजेस ने यह गाना लिखा था उसने भी ये गाना सुनने के बाद सुसाइड कर लिया था। नंबर 3, ज़्यादातर प्रोड्यूसरों को ये गाना इतना डिप्रेसिंग लगा था कि इसे रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया गया। फिर 2 साल बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ और फिर इसके साथ ही एक एक करके लोगों की आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। नंबर 2, साल 1936 में छपी टाइम मैगजीन की रिपोर्ट ने हंगरी में लोगों की आत्महत्या का जिम्मेदार ग्लूमी संडे को ठहराया था। मैगजीन में छपा था कि किसी ने इसको सुनते सुनते कई सारी नींद की गोलियां खा ली। किसी ने अपने सुसाइड नोट में इस गाने के बोल लिखे थे। यहाँ तक कि एक दुकानदार ने फांसी लगा ली और उसके पैरों के नीचे इस गाने की कॉपी मिली। एक और हैरान करने वाली बात कि एक बिल्डिंग की खिड़की से कूदकर इस गाने के कंपोजर ने भी खुदकुशी कर ली थी। नंबर 1, साल 1941 में बीबीसी ने इस सॉन्ग को चलाने से मना कर दिया था और इस गाने पर 63 सालों तक बैन लगा दिया। इसके बाद हंगरी के साथ साथ अमेरिका और फ्रांस सहित कई देशों में इस गाने को बैन कर दिया गया। फिर 63 सालों बाद साल 2002 में इस गाने से बैन हटाया गया। क्या आपने ग्लूमी संडे को सुना है? कमेंट करिएगा और लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिएगा।